स्टेज पे, वो सभी आजाद में ट्रेनिंग कर रहे हैं या लीडर्स अपने कम्युनिटी में लीडर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हमें बस ये कहना था कि ये प्रोसेस एक बस इवेंट बेस्ड डांस परफॉर्मेंस का नहीं है, और इस प्रोसेस के पीछे जितना भी कुछ है वो हम ये मानते हैं कि वो एक एम्पावरमेंट की जो जर्नी होती है, सशक्तिकरण की जर्नी, उससे जुड़ा हुआ है। और हर किसी की अपनी एक यूनिक जर्नी होती है सशक्तिकरण की, एंड जितनी महिलाओं ने आज यहाँ परफॉर्म किया है उन सब की अपनी अपनी जर्नीज में ये एक माइलस्टोन है। एंड यहाँ पे जो हमने गाने भी सिलेक्ट किए थे ना, वो ऐसे ही नहीं थे, उसका संबंध सारी महिलाओं की निजी जिंदगी के साथ में था। हर एक के घर में कोई ना कोई हानिकारक बापू है जो शायद उनको ड्राइविंग करने से रोक रहे हैं, सीखने से रोक रहे हैं। सो इन सारे गानों के संबंध उनके निजी जिंदगी से है। जब हम भी प्रैक्टिस करते थे तो ये सारी लड़कियां बोलती थी कि सर ये तो हम ही हैं, ऐसी धाकड़ लड़कियां जो घर से बाहर निकल के यहाँ पे ड्राइविंग सीखने के लिए आ रही है। सो उनको खुद को भी वो इसमें रिलेट करते थे। और जैसे दंगल का भी हमने जो स्टैंजा लिया है, आपको आपने देखा होगा कि वो एडिटिंग के साथ में हमने डेढ़ डेढ़ मिनट का ही गाना लिया है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमेशा अपने हौसलों पे विश्वास रखना, बुलंद रखना। लोगों का तो क्या है, लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। हमें कई ट्रेनीज ने ये बोला, सर एकदम सही है ये, जब हम ड्राइविंग के लिए आते हैं तो लोग ऐसे ही बोलते हैं। लोगों का क्या है, उनको जो है कहने दे, मेरा भी एक दिन वक्त आएगा तब मैं उनको बता दूंगी। ठीक है, इसके लिए हमारी एक ट्रेनी भी आपके सामने उनके डांस के बारे में जो अनुभव है वो रखना चाहती है। सो हम उनको भी आमंत्रित कर, वैसे एक दो बार लड़कियों ने मुझे भी बोला सर आप ही हानिकारक लग रहे हो, इतनी प्रैक्टिस हमसे करवा रहे हो। हेलो, मेरा नाम सोनी सिंह है और मैं आज़ाद में ट्रेनिंग करती हूँ। जब मुझे पता चला कि मुझे डांस में जुड़ना है तो मुझे डर बहुत लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कहीं पे भी डांस नहीं किया था। लेकिन जब सर ने हमें रोज़ ट्रेनिंग दी, हम ड्राइविंग की भी ट्रेनिंग करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने सारे लोग होंगे, डर लगेगा, शर्म आएगी थोड़ी सी, लेकिन जब सर ने थोड़ा हौसला दिलाया, रोज़ ट्रेनिंग करते थे तब वहाँ पे हम लोग इन्जॉय करते थे। घर पे जाके थक तो जाते थे, लेकिन जो इन्जॉय हमें वहाँ मिलता था वो कहीं पे भी नहीं मिलता था, यहाँ तक कि हमारी फैमिली में भी हमें कोई नहीं दे सकता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे डांस करके, बहुत ही अच्छा। वैसे अभी ये सेल्फ अनाउंसमेंट ही कर लेते हैं, इस डांस की कोरियोग्राफी मैंने और पद्माक्षी ने की है और हमें सेंटर से विद्या और पद्मा जो हमारी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने भी बहुत हेल्प की। और ये सारी लड़कियों के लिए एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने इतने जोश के साथ में ये डांस किया। और आप सबको भी थैंक यू, आप सब लोगों ने ये गाना एंजॉय किया, थैंक यू सो मच।